मार्च महीनामां लॉकडाउन लागू थयुं ते पहेला ज सैकड़ों लोकोए आगामी रजाओमां फरवानो प्लान बनावी लीधो हतो। फरवाना स्थळ नक्की करी रेलवे टिकिट पण बुक करी लीधी हती, परंतु कोरोनाना कारणे लॉकडाउन थता ज ट्रेनना तमाम रूट कैंसल थया। ट्रेन रद्द थता ज रेलवेए टिकिट रिफंडनी पण तैयारी बतावी અને આજથી વડોદરામાં કેન્સલ થયેલી ટિકિટ માટે રિફંડની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી। મોટી સંખ્યામાં લોકો રિફંડ લેવા રેલવે સ્ટેશને પહોંચ્યા, જો કે રિફંડ લેવા આવતા લોકોએ ચોક્કસ ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવું પડશે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક ફરજિયાત કરાયા હતા। પોલીસ જવાનો પણ તૈનાત કરાયા જેથી નિયમોનું ઉલ્લંઘન ન થાય। कोरोना महामारी अंतर्गत लॉकडाउन नो अमल करवामां आव्यो हतो ने लॉकडाउन नी जाहेरात थता ज जे अगाउथी जे लोको मुसाफरोए रेलवे में पोतानी जे टिकिटो बुक करावी हती, जे ट्रेनो रोकाता ज तमाम जे ट्रेनो बंद करवामां आवता, जे मुसाफरो हता तेओ अटवाया हता ने हवे जे ट्रेनो बंद थई हती केन्सल करवामां आवी हती तेवा मुसाफरोने रिफंड आपवानी कामगीरी वडोदरा रेलवे सहित देशभरना रेलवे स्टेशनोए हाथ धराई छे ने वडोदरा रेलवे स्टेशन खाते एक प्लेटफॉर्म खाते रिफंड आपवानी प्रक्रिया हाथ धराई छे ने जे आप दृश्यो निहाळो छो के जे मुसाफरो छे तेमने टोकन आपवामां आवी रह्या छे ने लगभग सवारे 8 वाग्यांथी 2 वाग्या सुधीमां 125 जेटला लोकोने बपोर बाद बीजा 125 लोकोने रिफंड आपवामां आवशे। एटले वडोदरामां हवे रोज 250 मुसाफरो छे के जेमनी ट्रेनो रद्द थई हती ने तेओ रिफंड लेवाने लायक हता ते तमाम मुसाफरोने हाल रिफंड आपवानी प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी रही छे ने जे आरपीएफ द्वारा जे वडोदरा रेलवे स्टेशन खाते सोशल डिस्टन्स જાળવીને મુસાફરોને બોલાવવામાં આવ્યા છે, ઉભા રાખવામાં આવ્યા છે અને તમામને હવે ટ્રેનનું રિફંડ ટિકિટનું રિફંડ આપવામાં આવી રહ્યું છે। સૌગી સુનિલ વણકર સાથે કુણાલ શર્મા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા।